हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था, ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीजल साइकिल और न्यूमेरिकल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीजल इंजन has a compression ratio of 20 and cutoff takes place at 5% of the stroke. Find the air standard efficiency if gamma is given. Also इस question में जो data given है data के लिए given है कह रहे compression ratio R is given 20, cutoff ratio RC is given 5% ऑफ सर्कल। फाइंड करना है डीजल की एफिशिएंसी। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जो भी डेटा गिवन था ये सब डेटा सारी गिवन है और आपको इसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो जो है दिया हुआ है 20, आर जो है आर गिवन है 20, कंप्रेशन रेशियो को गिवन है जी क्वेश्चन कर दिए 20 V2 हो जाएगा। ठीक है, और सब वॉल्यूम हमने बताया था क्या होता है, V1 माइनस V2 होता है। तो V1 का जो रिलेशन यहाँ पे आ रहा है उसको हम कटअप करेंगे तो हमारा VS जो है तो VS फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, VS हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो VS हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। VS के बाद जो है हम V3 फाइंड आउट करेंगे। तो V3 जी इक्वल्स टू क्या है, 0.05 पर स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ, V2 दोनों को जोड़ेंगे फिर हमारा कट ऑफ रेशियो V3/V2 होता है। जैसा कि मैंने बताया था ग्राफ में, अगर डीजल साइकिल की बात करते हैं इसका पी बी डायग्राम किस तरीके से बनेगा, 1 है 2 है 3 है, दिस इज द कट ऑफ पॉइंट और दिस इज द V3/V2 इज द कट ऑफ रेशियो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो वो एरिया है वही हमारा क्या है, स्ट्रेट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने कट ऑफ रेशियो निकाल लिया ये, और जो हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - R·γ − 1 × (ब्रैकेट में) कट ऑफ रेशियो पावर γ − 1 / γ × कट ऑफ रेशियो −1। ये हमारा जनरल जो क्या है हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमने वैल्यू को कट ऑफ रेशियो को वैल्यू कट ऑफ कर दिया, कंप्रेशन रेशियो क्वेश्चन में कर दिया, गामा दिया है 1.4, तो वहाँ से हमने वैल्यू कट ऑफ किया और कैलकुलेट किया तो देखा कितना आया आंसर, 64.9% क्या आ गया एफिशिएंसी डीजल की फाइन। तो फार्मूला जो है फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला मस्ट ही। देखिए, याद करने का सिंपल तरीका एफिशिएंसी या ऑटो साइकिल का, तो जल्दी फार्मूला सबको याद रहता है। क्या होता है एफिशिएंसी या ऑटो साइकिल की अगर बात करें, 1/R·γ − 1 जनरल फार्मूला इतना है। इसी में क्या है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, कट ऑफ रेशियो, अगर हमारा RC·γ − 1 × γ × RC − 1, इतने से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो याद करने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये। डीजल साइकिल ऑपरेट्स एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar एट अ बिगनिंग। तो ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। ग्राफ कैसे, पी वी डायग्राम है ये, ठीक है। तो पी वी डायग्राम में होता क्या है कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। दिस बोथ आर द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। तो क्या है कि डीजल में, डीजल साइकिल है ऑपरेट्स एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन। यहाँ पे बिगनिंग जो हो रही है वो उसका प्रेशर 1 bar ऑफ कंप्रेशन एंड वॉल्यूम वाइज कंप्रेस टू द 1/15 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो V2 इज दिया है
वन बाई फिफ्टीन बाई इंटू बी वन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब बी वन इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू बी टू, ये दिया हुआ है। हीट इज सप्लाइड अंटिल द वॉल्यूम इज ट्वाइस दैट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम। हीट तब तक सप्लाई होगा जब तक उसका जो वॉल्यूम है वो क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। तो बी थ्री इज इक्वल टू अंटिल द वॉल्यूम इज ट्वाइस दैट ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम। कह रहा है कि फाइंड आउट द मीन इफेक्टिव प्रेशर गामा की वैल्यू 1.4 इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्ट्रक वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली हमने क्या बताया, स्ट्रक वॉल्यूम हमारा होता है बी वन माइनस बी टू, ठीक है। तो बी वन को हम इस टर्म में ऐसा ही करेंगे कि बी टू कॉमन ले लिया, तो बी वन बाई यहाँ से बी टू अगर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ये बी वन बाई बी टू आ जाएगा, बी वन बाई बी टू माइनस वन बी टू, फिर बी वन बाई टू क्या है आर है, तो आर माइनस वन इंटू बी टू हो जाएगा, ये बी टू हो जाएगा। तो वहाँ से रख के हम बी थ्री की वैल्यू बी एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी एस इक्वल टू क्या होता है बी वन बाई बी टू। इस तरीके से रख के हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और पी टू निकाल लेंगे और पी फोर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना होगा। आगे बढ़ते हैं, जितने मैंने इसका भी क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं हुआ। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने पी फोर निकाल लिया, यहाँ पर हमने पी फोर निकाल लिया, पी टू निकाल लिया, पी टू पी थ्री के बराबर कैसे होगा कि हमारा जो ग्राफ है ऐसे है, ये इसके क्या होगा बराबर होगा पी थ्री पी टू बराबर होगा। तो पी टू पी थ्री कितना हो गया 49.3 बार और पी फोर आया 2.64 बार, राइट। आफ्टर डैट ये हमको बेसिकली एक फार्मूला आपको, वैसे तो फार्मूला हमारा क्या होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर का, वो होता है नेट वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ठीक है। बट अगर फार्मूला अगर याद हो जाए तो मच मच बेटर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब सारा डेटा हमको मालूम चल गया है, देखिए सारा डेटा मालूम चल गया है, होता क्या है अब वर्क डन की हमको निकालना है। तो अगर नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 to 2 वर्क डन जोड़ लीजिए प्लस 2 to 3 वर्क डन प्लस 3 to 4 वर्क डन और इसमें क्या होगा 0 होगा, डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम कर लीजिए। तो इस तरीके से कर लीजिए तो फार्मूला हमें निकल के प्रेशर आ जाता है। तो सारी वैल्यू पता है और वैल्यू को पुटअप करने के बाद हमने आंसर पाया 6.685 आपका बार। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन आइडियल डीजल साइकिल, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ आइडियल डीजल साइकिल इज 10 बार। जो आइडियल डीजल साइकिल उसका मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है, क्या दिया है मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ कितना, 10 बार दिया हुआ मीन इफेक्टिव प्रेशर 10 बार दिया हुआ। इफ इनिशियल प्रेशर इज 1 बार, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है अगर 1 बार दिया हुआ है, ठीक है। एंड द कंप्रेशन रेशियो इज आर इज इक्वल टू दिया हुआ 14, ठीक है। लेट कर डिटरमाइन के लिए कट ऑफ रेशियो रो निकालिए एंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फाइंड कर लीजिए। इतना डेटा आपको निकालना, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को आप पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, अगर टाइम हो तो 2 बार पढ़िए। फिर आप उस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उस डेटा गिवन को एक साइड में कहीं किनारे नोट कर लीजिए, फिर आप एक तरफ नोट कर लीजिए कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करेंगी कि ये डेटा गिवन है तो हमको ये डेटा फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें और कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको डेटा निकालें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको डेटा जो है नोट कर लेना है, क्या फाइंड आउट करना है वो नोट करना है, ठीक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वर्क आउटपुट क्या होता है, देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर और क्या होता है वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखा है मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम, चूँकि मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है उस क्वेश्चन में। स्वेप्ट वॉल्यूम वाला होता है बी थ्री माइनस बी टू और वो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिए, वो रख के पुटअप करके आर निकाल लीजिए, कंप्रेशन रेशियो निकाल लीजिए दिया हुआ है, स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। पी टू बाई पी वर्स कंप्रेशन रेशियो 40.23 हो जाएगा, पी टू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, पी थ्री बाई पी फोर इक्वल टू आर बाई रो, ये हमारा रिलेशन होता है वहाँ रखेंगे, वहाँ से हमने पी फोर फाइंड आउट करिए। अब हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन हम बताए ना, वर्क डन बताए ना कि वर्क डन निकालना रहे, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ डीजल साइकिल, ये और ये प्रोसेस क्या है, ये हमारा
आई एडियाबेटिक है, वर्कडन यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। ये कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे वर्कडन निकलेगा। ये हमारा एडियाबेटिक है, यहाँ पे वर्कडन निकलेगा। इस वर्कडन को इस जोड़ दीजिए, यहाँ पे जीरो होता है वर्कडन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो तीनों को क्या कर लिया, जोड़ दिए हैं। तो उस तरीके से वैल्यू पुटअप करके हम क्या निकाल लिया, हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया और यहाँ पे आप देख लीजिए वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे, फिर लास्ट में एफिशिएंसी फाइनल करने का 56.16% एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके फाइन, तो यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी निकल गया। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी आते हैं, तो इसलिए ऑटो का हमने बता दिया है और अभी मैं आपको डिजिटल तरीके बता रहा हूँ। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि इन एन इंजन वर्किंग ऑन द डीजल साइकिल द एयर फ्यूल रेशियो बाई वेट इज 50:1। द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द बिगनिंग ऑफ कंबशन इज 40°C एंड द कंप्रेशन रेशियो इज 19 इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड कंप्रेशन इन द बिगनिंग, मतलब आप ये समझिए अगर ये हमारा है तो कंप्रेशन बिगनिंग कितना है, T1 इज गिवन इन द क्वेश्चन 40°, एंड द कंप्रेशन रेशियो इज 19°। तो व्हाट इज द आइडियल एफिशिएंसी, एंड कैलोरीफिक वैल्यू इज समथिंग, कैलोरीफिक इज 2 मेगा जूल पर केजी। सीपी गिवन है, तो हम गामा निकाल लेंगे 1.4 आ जाएगा। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है आइडियल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पहले तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमको कंप्रेशन रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो क्वेश्चन में कट ऑफ रेशियो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो गामा हमने निकाल लिया, सीपी दिया हुआ, कट ऑफ रेशियो वाला होता है क्या, V3/V2 = T3/T2 होता है। तो T2/T1 - V2 - V1 होता है। ये रिलेशन से हम निकाले तो हमारा जो T2 आया, तो T2 टेम्परेचर वो कितना है, वो आ गया 930 केल्विन के अप्रॉक्सीमेट जो है हमारा T2 आया। अब T2 आ गया तो हम QS निकालेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू F/A फ्यूल एयर रेशियो × C, ठीक है। तो 50 इंटू जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो दिया हुआ 42 मेगा जूल है, तो मैं 42,000 कर देंगे डिवाइडेड बाई 1.004 × 50 कर देंगे, तो हमारा T3 - T2 आ जाएगा 83.66 केल्विन। तो T3 हमने यहाँ से निकाल लिया, कितना है 1761, T3 बराबर हो जाएगा 1761.32 आ जाएगा, ठीक है। कट ऑफ हमने निकाला, कट ऑफ बराबर क्या हुआ, कट ऑफ रेशियो निकल गया V3/V2 = T3/T2। वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमने पुटअप किया तो वैल्यू कितनी आ गई 1.905। अब आपको ये फार्मूला पता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 - 1/R·γ−1 × RC − मतलब रो वाली प्रॉब्लम, ये आपको आपको पता है। अब हमको ये पता है, इस वजह से हमने क्या किया, हमने एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ जाएगी 60.85% एफिशिएंसी। इस तरीके से हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आप जो है यहाँ से हम एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल है, एज ए कंप्रेशन रेशियो इज 16 एंड द प्रेशर एट द बिगनिंग ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इज 1 bar एंड द P1 इज 1 bar एंड टेम्परेचर T1 इज 20°C प्लस 273°K। हमें मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है कितना 1430°C। पहले डब मान निकालिए, फाइंड आउट द थर्मल एफिशिएंसी और मीन इफेक्टिव प्रेशर को निकालना है। गामा इज इक्वल टू 1.43।
ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो पता है, क्वेश्चन में दिया है। बिगनिंग है तो प्रेशर P1 दिया है 1 bar, T1 दिया है 293 और T3 1703 केल्विन दिया है। तो कह रहा है T2 by T1 निकालेंगे, T2 by T1 = B1 by B2 power γ-1 करेंगे। यहाँ से हमने निकाला तो हमने देखा कि हमारा कितना है 9.03 आ गया। T2 = आ जाएगा 88.7.79। ये हमारा T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो T3 मालूम हो जाएगा, T2 मालूम चल गया। तो ρ = क्या होता है, ρ = होता है B3 by B1 = T3 by T2। बस फॉर्मूला पुट अप किया तो हमारा 61.8% आ गया। आप मीन पुट अप करके फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं, 9 bar आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको आने चाहिए, आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें क्वेश्चन।